लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे वो CUCET का एंट्रेंस का टेस्ट हो, CUET का एंट्रेंस का टेस्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, और चाहे आपके जीवन की जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें हिम्मत और आपका धैर्य बहुत मायने रखता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप पूरा यूट्यूब छान मारते हैं, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई खबर मिलती नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी नए छात्र छात्राएं अपना दाखिला लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो इस चैनल से जुड़ जाए। दूसरा काम ये करें कि वो हमेशा इससे जुड़े रहें, तो जितना भी आवश्यक लगेगा, आप इतने समझदार हैं कि अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं, आप इतने समझदार हैं कि प्रोसेस को आप पढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उसको भली बात ही जान सकते हैं। आप किसी के भरोसे नहीं रहने वाले छात्र हैं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, आपको अपने हिसाब से एंट्रेंस की परीक्षा देनी है। आज का जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो BA की जो प्रवेश परीक्षा है उसके जो फॉर्म को आप जब भरते हैं तो पहला आपका इनिशियल स्टेज होता है कि फॉर्म को भरना। फॉर्म को कैसे भरें, क्योंकि CUET का एंट्रेंस का टेस्ट हो रहा है, नई नई समस्याएं आपको सामने मिल रही हैं कि डोमेन्स में क्या भरें। तीन स्टेप में आपके पेपर होंगे, पहला तो लैंग्वेज होगा, दूसरा होगा आपके जो डोमेन के सब्जेक्ट होंगे, तीसरा है कि आपको जनरल टेस्ट आपको देना है। ये नई समस्या आपके सामने समझ से दिख रही है। तो आज BA के विषय पर बात होगी, फिर BCOM और BSc वालों के ऊपर बात होगी, क्योंकि अभी तक UG के ही कोर्सेज का CUET एंट्रेंस करवा रहा है। तो BA में जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आप प्रोसेस खोलेंगे तो उसमें पुराना प्रोसेस अपलोड कर दिए हैं, यानी कि उसमें कहा ही नहीं गया है कि कौन सा जनरल टेस्ट हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट के डोमेन के क्या सब्जेक्ट हैं, उसमें सीधा वही पिछले साल का प्रोसेस अपलोड कर दिए हैं। ये पता नहीं किस तरीके से अपलोड किए हैं, हमको जो जानकारी नहीं है, लेकिन 25-25 के तीन सेक्शन डिवाइड किए हैं, उसके बाद 150 सवाल किए, जबकि CUET कहा है कि 140 सवाल ही आएगा, और अगर आप दो लैंग्वेज अटेम्प्ट करते हैं तो 180 सवाल आएगा। तो बहुत परेशान नहीं होना है, आप जब फॉर्म को भरते हैं तो एकदम इनिशियल स्टेज पर आप जब पहुँचते हैं तो आपसे बेसिक डाटा लिया जाता है, बेसिक डाटा आप फिल करते हैं, अपने फोटो को अपलोड करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। समस्या तब आती है जब हम दूसरे और तीसरे स्टेप पर पहुँचते हैं, जब हम सब्जेक्ट का चूज़ करते हैं, यानी कि पहले जो आपका लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज के पार्ट में आप हिंदी और इंग्लिश को चाहे जो सुन सकते हैं, आपके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ज़्यादातर हिंदी प्रिफर्ड करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादातर प्रिफर्ड करते हैं, यानी कि आपको जो भाषा का जो सवाल आएगा, 40 सवाल आपको जो अटेम्प्ट करना है वो आपको लैंग्वेज का अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सोच समझ कर आप अगर हिंदी को प्रियोरिटी देंगे तो हिंदी के सवाल आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश करेंगे तो आपको इंग्लिश भरना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि आपको डोमेन्स के सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे। तो बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन है कि हमारे 12th के जो सब्जेक्ट हों तमाम तरीके से, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ब्रोशर्स में कहा गया है कि आपको 6 विषय, मतलब आप उसकी परीक्षा दे सकते हैं, जैसे 25-25-25 के सवाल में डिवाइड रहता है। तो हिस्ट्री रहता है, इकोनॉमी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, लॉजिक रहता है और संस्कृत रहता है। तो ये 6 सब्जेक्ट हमारे रहते हैं। तो बहुत सारे छात्र लगातार जो हमारा जनरल सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मेरे ख्याल से आप इतना डाइवर्सिफाई अपने फॉर्म को भरिए, आप एक साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्म को भरेंगे, उसी समय आप BHU को भी प्रियोरिटी देंगे। और कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरता है और BHU को ना प्रेफरेंस देता हो। आप हर जगह का एंट्रेंस का परीक्षा देते हैं, आप विश्वविद्यालय का भी फॉर्म डालते हैं, आप BHU का डालते हैं, आप DU का भी डालेंगे, आप JNU का, आप AMU का, आप जामिया मिलिया इस्लामिया का, यानी कि सारे विश्वविद्यालयों का जो एंट्रेंस का पेपर हो रहा है वो एक पेपर हो रहा है। ज़रूरत ये है कि हमें उसकी प्रियोरिटी पर टिक करना है। जब आप यूनिवर्सिटी के सिलेक्शंस करिए तो आप अगर BHU को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी नीचे सेलेक्ट करिए, क्योंकि बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आप परीक्षा दे देंगे, अगर आपने ऑप्शन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं भरा है तब आप उसमें परीक्षा और काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। तो डोमेन्स के आप सब्जेक्ट भर सकते हैं कि आपको जिस विषय की जो परीक्षा देनी है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दो डोमेन्स आपको पूरे 3 डोमेन, मतलब 3 से लेकर 6 तक आपको कवर करना है, तो आप मैक्सिमम उसमें भरिए जिससे कि आपके पास ऑप्शन रहे कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक काम ये आप करिएगा। इसके बाद जब ये प्रोसेस आपका पूरा होता है तो अगला स्टेप होता है मीडियम का। हम मीडियम मतलब हम किस मीडियम में अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, तो इससे ये नहीं डिसाइड करता कि अगर आपने वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, यानी कि आप इंग्लिश के सवाल अटेम्प्ट करेंगे, और आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तब आप अपने मीडियम को आप हिंदी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी के सवाल हिंदी में आते हैं, इंग्लिश के सवाल इंग्लिश में आते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट होकर आते हैं। तो आप मीडियम की जो सुटेबिलिटी आपको लगेगी आप उसी हिसाब से मीडियम को चूज़ करिए। इसके बाद फिर आप सेंटर को चूज़ करेंगे। अच्छा, फॉर्म को भरते समय कोशिश यही करिएगा, और बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन
ये है कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, यानी EWS कोटा से है तो EWS कोटा आप भरिए, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे यस करिए, तमाम चीज़ें हैं तो उसको बहुत विशेष ध्यान रखिए। और डोमेन्स में जो आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं तो आप बहुत अच्छे से आप जिसमें आप कैपेबल हों, जो आप कवर कर सकें, उसी तरीके से आप चीज़ों को सेलेक्ट करिएगा। ये बातें आपके लिए थी। अगर आपको कोई समस्या अभी भी हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, यहाँ पर बने रहिए। उम्मीद यही है और कोशिश यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाए। आप नीचे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत मैसेज भी ना करिएगा क्योंकि अकेला ही प्राणी हूँ और बहुत परेशान हो जाऊँगा तो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।